हेलो गाइस, वेलकम करता हूँ आप सभी को सुमन के ब्लॉग चैनल पे। तो दोस्तों, अभी मैं आया हूँ कोरापुट के ट्राइबल म्यूजियम में। पहले ज़माने का ट्राइबल लोग कैसे कुछ रहते हैं और उसका रहन सहन कैसा था, उसके लिए ये म्यूजियम में सब दर्शाया गया है। तो चलिए फिर अंदर चल के देखते हैं कि क्या कुछ है। ट्राइबल म्यूजियम का एंट्री गेट यहीं से अंदर जाते हैं। चलिए फिर अंदर चल के देखते हैं कि क्या कुछ है। बरसो तुम्हारी सब तक रहे, बादल गरजा पानी बरसाए, नदियां मछली चली चले। बादल गरजा पानी बरसाए, नदियां मछली चली चले। पेड़ के ऊपर बरसा पानी, आई बत्तियां हरी हरी। अरे आंटी, भीतर जाकर तो पैसा लागू छे। कितने पैसा लागू छे भीतर उजे? कितने जाना जाने? 10 टका। तो दोस्तों, फाइनली मैं अभी ट्राइबल म्यूजियम के अंदर आ गया हूँ। तो म्यूजियम के अंदर बहुत ही पुराने ज़माने का कुछ चीज़ें वगैरह रखा गया है। मैं आप सभी को दिखाऊंगा कि पहले के ज़माने के लोग कैसे कुछ पहनते थे और क्या कुछ यूज़ करते थे उसके बारे में। तो दोस्तों, ये रहा कुछ पहले ज़माने के लोग ये सब पहनते थे, उनके ज्वेलरी वगैरह सब आप लोग देख सकते हो। बहुत ही सुंदर सजा के रखे हैं यहाँ ट्राइबल के फीमेल लोग, तो ये सब यूज़ करते थे, देख सकते हो आप लोग ये सब ज्वेलरी वगैरह उनके। तो यहाँ सब कुछ मेंशन किया गया है, रिंग्स फॉर स्टोन ऐसे कुछ करके। तो हमारे कोरापुट के अंदर जितने भी ट्राइबल लोग हैं सभी इस टाइप का कुछ चीज़ें वगैरह पहनते हैं, देख सकते हो आप लोग। पहनते थे, अभी तो नहीं पहनते क्योंकि ज़माना भी थोड़ा सा मॉडर्न हो गया, इसलिए उतना तो नहीं पहनते। सो गाइस, मैं भी स्केड्यूल ट्राइब से बिलोंग्स करता हूँ, तो इसलिए मेरा तो यहाँ आना तो बनता था क्योंकि मैं उसी कास्ट से हूँ, तो ये मेरे पूर्वजों ही पहनते हैं ऐसे भी आप लोग कह सकते हो। तो मुझे यहाँ आके बहुत ही अच्छा लग रहा है। मैं आप सभी को भी रिकमेंड करूँगा कि जब भी आप कोरापुट के अंदर आओगे तो आप ज़रूर से ट्राइबल म्यूजियम को घूमने आइए। यहाँ बहुत ही आपको बहुत कुछ सीख सकते हो ये इसको देख के, पुराने ज़माने का चीज़ें वगैरह सब रखे हुए हैं, तो आपको भी देखने से ये। तो चलिए फिर और थोड़ा सा अंदर चलते हैं। तो दोस्तों, इसी रूम पे पुराने ज़माने के जितने भी लोग होते हैं वो सब यही चीज़ें सब हथियार के तौर पर यूज़ करते थे, देख सकते हो आप लोग। ये सभी हथियार जो कि पहले के ज़माने में शिकार करके जीवन यापन करते थे, उसके लिए ये सब यूज़ करना पड़ता था उन लोगों को। और दोस्तों, मुझे ये थोड़ा सा इंटरेस्टेड लगा, ये सभी पुराने ज़माने के स्टोन वगैरह हैं। दोस्तों, इस रूम पे ये सभी चीज़ें उन लोगों के खाने पीने का सामग्री है, आप लोग देख सकते हो। ये कुछ कपड़ा वगैरह, ये सभी दीप वगैरह है, देख सकते हो आप लोग, पुराने ज़माने का। अभी तो ये ऐसे वाले चीज़ नहीं मिलता, मार्केट में भी नहीं मिलता है अभी। तो ये रहा दोस्तों हमारे कोरापुट के सबसे फेमस डांस, फोक डांस। तो हमारे यहाँ इसे ढेमसा भी बोलते हैं, देख सकते हो आप लोग। अभी भी ये वाला डांस अब तक भी चलता है। तो हमारे यहाँ सभी शादी ब्याह में ऐसे डांस अभी भी हम लोग करते हैं, हमको भी थोड़ा थोड़ा पता है कि कैसे कुछ डांस वगैरह करते हैं। तो ये रहा और कुछ चीज़ें, देख सकते हो बहुत ही सुंदर है दोस्तों। We'll be right back.
सो गाइस यहाँ पर एक चीज़ रखा गया है, देख सकते हो आप लोग ये वाला चीज़। इसको अभी भी हमारे गांव में यूज़ करते हैं। तो इसमें हमारे कोरापुट के अंदर लगभग सभी के घर में हम मांड्या को जाऊ बनाकर पीते हैं। उसको मिलिंग करने के लिए ये चीज़ है, ये आप देख सकते हो अभी भी हमारे गांव में ये यूज़ होता है। तो मुझे ये थोड़ा सा नया ज़माने का लगा, नया नहीं तो पुराने ज़माने का है, बट ये मुझे अच्छा लगा कि ये भी चीज़ है और हम लोग भी इसे यूज़ करते हैं अभी भी। तो दोस्तों ये चीज़ को मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। ये एक तालाब में मछली वगैरह सब पकड़ने जाते हैं, इसको जो आदमी मछली पकड़ता है वो अपने कमर पे ये लगा कर रखता है, क्योंकि जितना भी मछली पकड़ सके तो मछली वगैरह को सब इसके अंदर डालते हैं। और ये एक चीज़ जो कि पहले ज़माने में रेनकोट वगैरह तो कुछ नहीं था, ये एक ऐसा चीज़ है कि आप सर पे, ये आप देख रहे हो ना, टोपी टाइप का सर के अंदर डाल के बारिश से बचा जाता था जब ट्राइबल लोग जाते थे खेती करने। तो दोस्तों जब भी आप कोरापुट के अंदर आओगे तो कोरापुट बोस्टन से ट्राइबल म्यूजियम का डिस्टेंस अराउंड कुछ 2 किलोमीटर का होगा। तो जब भी आप कोरापुट आओगे तो ट्राइबल म्यूजियम ज़रूर से घूमने आइए, बहुत ही अच्छा है। मुझे तो बहुत अच्छा लगा क्योंकि मैं उसी ट्राइब से बिलोंग करता हूँ। तो मुझे प्राउड भी लगता है कि मैं उसी ट्राइब से बिलोंग करता हूँ जो कि हमारे बाप दादा का, बोल सकते हो आप लोग, हमारे बाप दादा का चीज़ें वगैरह सब यहाँ रखा हुआ है और इसको देखने के लिए दूर दूर से लोग भी आ रहे हैं। तो मुझे बहुत प्राउड फील हो रहा है यहाँ के। तो दोस्तों ये वाले चीज़ भी हमारे घर पे अभी भी है। इसका यूज़ चावल और चावल के साथ जो मिट्टी रहता है उसको अलग करने के लिए, ये मेरी माँ अभी भी इसको यूज़ करके चावल और मिट्टी को अलग करती है। तो हमारे घर में जो चीज़ है वो अभी म्यूजियम के अंदर है, तो मुझे देखकर भी अच्छा लगा। ये मुझे कुछ इंटरेस्टिंग लगा, देख सकते हो आप लोग, ये पुराने ज़माने का कॉइन साइज से, देख सकते हो आप लोग। इसमें मुझे कुछ भी आइडिया नहीं है कि मैं तो यूज़ नहीं किया है इन सभी कॉइन का। ये कुछ नया ज़माने का भी कॉइन रखा गया है, 1 रुपीज़, 2 रुपीज़ ऐसा कुछ करके, 50 पैसा भी रखा हुआ है दोस्तों, अभी देखने को नहीं मिलता है। तो ये म्यूजियम में रहने के लिए लायक है। अगे म्यूजियम टा कितने बंद हो ची? तीन टा खाया पाई जीवन आप। तो दोस्तों जब भी आप आओगे तो टाइमिंग वगैरह सब देख लीजिएगा। ट्राइबल म्यूजियम कोरापुट ओपनिंग टाइम सुबह के 10 बजे से 2 बजे तक और 3 बजे से 7 बजे तक, तो इसी टाइम पे आप लोग घूमने आइएगा। तो दोस्तों यहाँ पर एक सर जी बैठे हैं, तो थोड़ा सा पूछते हैं केबे म्यूजियम डा स्टार्ट ही थिला। ये म्यूजियम 1992 में स्टार्ट ही थिला। और ये म्यूजियम रो हिस्ट्री विषय कौन टिके कहबे कि जे माने म्यूजियम को विषय रखा जाय छे जिंस पत्र सब एठी ओडा सो आदिवासी मनकर पुराना काल रो जिंस रखा जाय छे। सो थैंक यू सर। तो ये था दोस्तों कुछ, हमारे सर जी यहाँ बैठे हुए हैं तो उनसे थोड़ा सा बातचीत कर रहे थे कि ये सभी आदिवासी लोगों के, ट्राइबल लोगों के सब चीज़ें वगैरह यहाँ रखा हुआ है, कैसा कुछ रहता था पहले ज़माने में। तो चलिए बाहर भी देखते हैं कि क्या कुछ है, मैं आप सभी को दिखाऊंगा। तो दोस्तों ये सभी हमारे कोरापुट के प्राचीन काल के नृत्य, तो अभी भी हमारे गाँव वगैरह में ये सभी चलता है। तो इस टाइप का कुछ रहता था ये सभी अभी के ज़माने में, इन सभी लोगों को बैंड पार्टी भी आप लोग बोल सकते हो। तो हम लोग भी इस टाइप का डांस वगैरह अभी भी करते हैं दोस्तों, तो हमें भी अच्छा लगता है कि हम लोग डांस अभी करते हैं, वही डांस को म्यूजियम में रखा गया है, उसको दर्शाया गया है, तो हमें भी अच्छा लग रहा है कि बहुत सुंदर है। दोस्तों मैं अभी जो पत्थर वगैरह सब दिखाया, मेरे बैक में बैकग्राउंड में भी जो सभी दिख रहा है, ये सभी पत्थर बहुत ही पुराने ज़माने के हैं। तो अभी ये पत्थर तो नहीं मिलेगा शायद से, तो इनको सभी संभाल के रखे गए हैं यहाँ। तो दोस्तों यही था दोस्तों आज का ये ट्राइबल म्यूजियम के वीडियो। तो मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को ये मेरा ट्राइबल म्यूजियम के अंदर का वीडियो पसंद हुआ होगा। अगर ये मेरा वीडियो फेसबुक पर देख रहे हो तो प्लीज़ पेज को फॉलो कर दीजिएगा और वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। और ये मेरा वीडियो अगर यूट्यूब पर देख रहे हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके भाई को थोड़ा सा सपोर्ट भी कर दीजिएगा। सो थैंक यू सो मच दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।